डोनेट बनके रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट। तो मैंने मैदा लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर ले रही हूँ मैदे के हिसाब से। आपको जितना मीठा चाहिए उतना ले सकते हो। और मैं इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा आप घी या बटर ले सकते हो, तो मैंने बटर लिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा विनीगर ली हूँ और अभी अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छा बनता है ये। और मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। बच्चे लोग तो बहुत अच्छे से खाते हैं, बच्चे तो आज बहुत खुश हैं। और मैं इसको अच्छे से मसल मसल के गूंथ लूंगी आटे के जैसा, एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए। ये हाथ में बहुत चिपकता है। और अभी लंबा हो गया है, मैं इसको भी 10 मिनट के लिए साइड में भी गूंथ के रख दूंगी। और 10 मिनट हो गया है और डो भी रेडी हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथ से मसल रही हूँ। मैं इसको तोड़ूंगी आधा और इसकी बड़ी बड़ी सी दो लोइयाँ मैंने बना ली हैं। और इसे अभी थोड़ा सा मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है चौके पे। और मैं थोड़ा सा मैदा लगा रही हूँ जिससे चिपके नहीं। और इसको भी बेलूंगी। इसको हल्के हाथ से बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। जैसे पिज्जा बेस रहता है उसी टाइप में बेलना है। और मैं भी ऐसे बना लूंगी। इसको मैं भी कट करूंगी। आप कटर से भी कट कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। और मैंने जाड़ा सा बेल लिया है और मैं इसको भी कट करूंगी। मैं भी कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा कट रहा है। मेरी मस्त अभी बन गया है। मैं भी इसका थोड़ा सा बीच में कट करूंगी छोटा सा, बस इतना ही ज़्यादा बनाना है। और मैं बीच से थोड़ा सा कट कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा बना है। ऐसे मैं सारे बना लूँगी डोनट। ऐसे मैं भी साइड में रख दूँगी इसको। और मैंने तेल को पहले से ही गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल गर्म हो गया है तो मैं इसको भी तल लूँगी। एकदम फूगा फूगा सा बनेगा मस्त। और बच्चे लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो कितना अच्छा बन रहा है। आप इस पे चॉकलेट या कैडबरी कुछ भी इस पे रख सकते हो। चॉकलेट तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं भी निकाल रही हूँ, पक गया है। मैं इसे सारे तल लूँगी अच्छे से। बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अभी डोनट ठंडा हो गया है। मैं इस पर न्यूट्रेला लगा रही हूँ। आप इस पर चॉकलेट भी लगा सकते हो, आपके पास जो भी हो, क्रीम हो
कुछ भी लगा सकते हो और मैं भी अच्छे से लगा दूंगी। इस पर जितना ही चॉकलेट डालो उतना ही अच्छा लगता है। मैं इसे लगा दूंगी और कितना अच्छा लग रहा है। मैं सब में इसे लगा दूंगी और ऊपर से आप उस पर चॉकलेट बारीक करके भी डाल सकते हो या फिर जैम्स कुछ भी आप इस पर रख सकते हो। तो मैं इस पर जैम्स रखूँगी जिससे डेकोरेट हो जाएगा और देखने में और भी अच्छा लगेगा। और ये फटाफट तो बनता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसको फ्रीज में रख दो, मस्त ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसे भी लगा दी हूँ, मैं इसमें भी जैम्स रख रही हूँ, इससे और भी टेस्टी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और बच्चे लोग को तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे सारे इस पर चिपका रही हूँ। डोनट बन गया है खाने के लिए, मैं इसको भी फ्रिज में रख दूंगी। डोनट बन के रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।